वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे हम अंगूड़ा भी कहते हैं। ये बिहार में बहुत ही फेमस डिश है। तो फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो मैंने ले लिया है 1 किलो आम ले लिया है, और उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने उसको चक्कू से पूरे छिलके को भी उतार दिया है, और जो उतारने के बाद आप इसको लंबी लंबी स्लाइस में काट लेना है फ्रेंड। और काटने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से कटेंगे, और इसकी गुठली को मैंने साबुत ही रखा है। गुठली के आसपास से थोड़ा सा मैंने निकाल दिया, लेकिन गुठली मैंने काटी नहीं है। और मैंने ले लिया है 1 पतीला, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। तो जी फ्रेंड, पानी हमको उतना डालना है कि जो हमारी आम है ना, ये पूरे डिप है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो जी फ्रेंड, हम आप पानी के अंदर आम को डालेंगे, और डालने के बाद आपको दिखाएंगे। पहले पानी को गर्म करना है, ये नहीं कि पहले आप पानी भी डाल दो साथ में आम भी डाल दो। नहीं फ्रेंड्स, पहले हम पानी को गर्म करेंगे, और फिर जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं डाल दूँगी इसके अंदर आम। तो जी, आम डालने के बाद फ्रेंड मैं बताऊँगी आपको आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो जी, सारे आम डल गए हैं, और इसके बाद आप फ्रेंड पानी को अच्छे से खौलाना है, और जब तक खौलाना है जब तक कि आम गल ना जाए। तो गलने के लिए हमको बीच बीच में टेस्ट चेक करते रहना है कि देखो, इसको नाइफ के साथ चेक करेंगे ईज़िली कट जाता है या नहीं कटता है। अगर ईज़िली कट गया है तो हमारे आम कुक हो चुके होंगे। तो जी, एक बार आपको मैं दिखा भी देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने ले लिया है 1 स्लाइस, और मैं इसके अंदर एक बार चक्कू मार के कट करके देख लेती हूँ कि ये कितना कुक हुआ है और कितनी अभी ज़रूरत पड़ेगी इसको कुक करने की। फ्रेंड्स, इतनी इजी रेसिपी है कि आप इसको एक बार बनाओगे आपका मन करेगा कि बार बार बनाएं। बहुत ही बढ़िया बनती है, रोटी के साथ खाइए, ऐसे लगेगा आपको गुड़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी टेस्टी बनेगी फ्रेंड। और देखिए, पूरे आम हमारे गल गए हैं, और मैं इसको छन्नी से सारे पानी को छान लूँगी। और छानने के बाद फ्रेंड मैं आपको ये बता दूँ, ये जो पानी है ये हमारा वेस्ट नहीं होगा फ्रेंड। ये पानी का भी इस्तेमाल बहुत बढ़िया होगा। गर्मी चल रही है, ज़्यादातर बाहर से आते हैं तो हम रू अफ्जा पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड, आप इस पानी का भी आपको मैं इतना अच्छा इस्तेमाल बताऊँगी। और देखिए फ्रेंड, मैंने ले लिया है पतीला, और जितने आम थे सारे इस पतीले के अंदर डाल दिए हैं, और मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। तो चीनी आप 1 केजी के हिसाब से ले लीजिए, आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। और मैंने ले लिया है करीबन, मेरे पास छोटे छोटे 2 ग्लास थे, मेरे पास ग्लास है, तो मैंने 2 ग्लास भर के चीनी इसके अंदर डाल दिया है। और ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक देती हूँ। 40 मिनट बाद चीनी अपने आप ही मेल्ट होगी हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये जो पानी है ना, ये पूरा पानी चीनी का है, और अब इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि चीनी और आम एकदम अच्छे से आपस में मेल्ट हो जाए। और इसको तब तक भूनना है, तब तक इसको चलाना जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए फ्रेंड। बहुत इजी है, कुछ नहीं इसके अंदर मैंने डालना है। खाली क्या डाला है फ्रेंड, मैंने 1 लौंग, मैंने 1 दालचीनी डाली है, 2 मैंने लौंग डाले हैं, और 2-3 मैंने डाली है गोल मिर्च। तो जी देखिए, ये देखिए मैंने ये डाल दिया आपके सामने 2, और आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इतना ही डाला है, और देखिए बॉयल आना शुरू हो गया, और जैसे जैसे बॉयल आ रहा है ये हमारा और अच्छे से गल जाएगा। और जी, गलने के बाद ये देखिए फ्रेंड, मुझे लग रहा है लौंग थोड़ा सा कम था, तो मैंने 4 लौंग इसके अंदर और डाल दिए हैं, ताकि ये अच्छे से खुशबू भी आना चाहिए। और देखिए पानी भी सूख गया है, और देखिए कितना ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। इसका रंग देखिए फ्रेंड कितना ही बढ़िया आया। और देखिए, मैंने इसके अंदर प्लेट के अंदर इसको शिफ्ट करके अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, और आपके मुंह में इतना पानी आएगा कि आप बनाने के लिए मजबूर हो जाओगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको अच्छे से मिले। और फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए तैयार हो गया है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, बनी ना कितनी बढ़िया। खाइए इसको दाल चावल के साथ, खाइए रोटी के साथ, खाइए पराठे के साथ, खाइए टिफिन में दे दीजिए, अचार से भी बढ़िया काम करेगी फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गई है चटनी। तो जी फ्रेंड, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, और चैनल को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। और मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।